तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो आपका पुराना पावर सप्लाई है, इसको जो है निकालने के बाद हमारा पावर का एलईडी स्टेबल हो जा रहा है। ये पावर सप्लाई वीक है, तो इस पावर सप्लाई को मैं इस पावर सप्लाई से चेंज करता हूँ। इसका कनेक्शन मैं आपको कनेक्शन भी दिखाता हूँ, ये देखते हैं इसका ठीक होता है कि नहीं ब्लिंकिंग का। तो मैंने इसको एक्सटर्नल डीसी पावर सप्लाई से चलाया, एक्सटर्नल डीसी पावर सप्लाई से, उससे तो बिंदास चल रहा था। तो हमारा इस पावर सप्लाई पे डाउट जा रहा है, क्योंकि पहली बार जो हमने रिपेयर किया था इस पावर सप्लाई पे, एक जीनर डायोड शॉर्ट हो गया था, और इसका प्राइमरी सेक्शन में भी कोई रिपेयरिंग हुआ है पहले भी, तो शायद ये डैमेज हो चुका है। इसका बोर्ड काफ़ी पुराना दिख रहा है और बहुत सारा रिपेयरिंग काम हुआ है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि ये वीक हो गया है। तो इसका हमने साइड में कर लिया, इसका हम निकाल लेते हैं, इसके बाद हम ये नया वाला बोर्ड से टेस्ट करेंगे। अभी हम इसको मैं निकाल लेता हूँ, मैंने इसको निकाल लिया, ठीक है, मैं निकाल लिया है। ये हम बाद में भी काम में ला सकते हैं, इसको हम साइड में रख देते हैं। अभी देखिए तीन कनेक्शन है, एक तो हमारा ग्राउंड माइनस, ये हमारा पॉजिटिव 12 वोल्ट, ये है आपका बैकलाइट इनेबल। तो हमको कैसे कनेक्शन करना है, यहाँ पे देखिए वी माइनस है जो है ब्लैक से कनेक्ट कर देना है, और जो वी प्लस है इधर का 12 वोल्ट का, यहाँ पे पॉजिटिव वाला कनेक्ट कर देना है। और ये जो येलो वाला बैकलाइट ऑन है, यहाँ पे जो आपका ऑन इनेबल है ओ स्लैश ई, यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं फटाफट कनेक्ट कर देता हूँ, जी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी देख सकते हैं पीछे की तरफ, इधर की तरफ 12 वोल्ट है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे ये आपका एन वाला है। तो चलिए मैं फटाफट कनेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए सबसे पहले वी माइनस जो है, वी माइनस के साथ आपका काला वाला ये कनेक्ट कर दे रहा हूँ मैं अभी। ये पे मैंने ग्राउंड का कनेक्शन कर दिया है, ये रहा पॉजिटिव सप्लाई का। अभी करते हैं, एक सेकंड में फोकस करता हूँ। हाँ अभी थोड़ा पॉजिटिव सप्लाई का करते हैं कनेक्शन, मैं अच्छे से कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको कनेक्शन, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी अच्छे से कनेक्शन कर लेता हूँ सबसे पहले, और बैकलाइट का कनेक्शन भी बताऊंगा। ये तो बैकलाइट इनेबल सिग्नल हो गया, बैकलाइट का सप्लाई जो है एलईडी को कैसे कनेक्ट करना है कहाँ पे, वो भी बताऊंगा। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है कनेक्शन। थोड़ा सा अच्छे से सोल्डरिंग कर देता हूँ, बाद में दिक्कत करेगा नहीं तो। हो गया कनेक्शन, अभी दिखाता हूँ मैं आपको कनेक्शन। तो देखिए यहाँ पे कनेक्शन, यहाँ पे देखिए मदरबोर्ड से जो कनेक्शन आया हुआ है, ये आपका ग्राउंड, ये आपका येलो वाला इनेबल बैकलाइट, और ये आपका 5 वोल्ट, ये मैंने कनेक्ट कर दिया है जैसे कनेक्ट करना था, कनेक्टर पे लिखा हुआ है। तो चलिए अब ठीक है, अब चेक करके देखते हैं डिस्प्ले लगा के क्या होता है। तो पावर सप्लाई तो लगा दिया और कनेक्शन भी प्रॉपर कर दिया, अभी यहाँ पे टेप में मर दिया, कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो। तो अभी तो हम डिस्प्ले को लगाते हैं, और डिस्प्ले लगा के चेक करते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है। मेरे ख्याल से ये टीवी ठीक हो चुका है, इसका पावर सप्लाई वीक था। तो सबसे पहले मैं एलवीडीएस कनेक्टर लगा लेता हूँ, जो आपका रेड वायर है और मार्क किया हुआ है, यहाँ पे भी मार्क किया हुआ है, वो आपका डिस्प्ले का सप्लाई है VSS, उसको मैच करके लगाना है, बाकी एलवीडीएस का कनेक्शन ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा। और यहाँ पे दो बैकलाइट का पैनल से आया हुआ है, एक को इधर लगाना है, इस पे इस कार्ड में बैकलाइट इनबिल्ट है, अगर इस कार्ड में बैकलाइट इनबिल्ट ना होता तो क्या हम करते, अगर आपके पास 12 वोल्ट का कोई अदर सप्लाई होता तो हम क्या करते, इसका जो बैकलाइट सर्किट है इसको हम यूज़ करते, यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई देते और ये सिग्नल देते, यहाँ से बैकलाइट ड्राइव करते थे, इस सर्किट को यूज़ नहीं करते थे, यहाँ से कार्ड ले सकते हैं। तो इस सर्किट को हम बैकलाइट के लिए किसी और टीवी में यूज़ कर सकते हैं, तो इसको मैं रख देता हूँ सेफली।
इसको हम कहीं और पे भी यूज़ कर सकते हैं और इससे भी हमारा कुछ पैसा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ही कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे भी मैंने ये बैकलाइट का कनेक्ट कर दिया। तो अभी सब कुछ कनेक्ट हो चुका है प्रॉपर। अभी मैं इसको रख के पावर दे के देखता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड मैं पावर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा पावर कॉर्ड है, तो मैं भी पावर देता हूँ, ठीक है। पावर दे के देखता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। मैं लाइट को ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने पावर दे दिया है, अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। तो ऑन किया है टीवी को, तो ये अभी हमारा चालू हो चुका है टीवी। यहाँ पे हमारा डिस्प्ले आ चुका है, प्लीज़ वेट करके। ये हमारा टीवी ठीक हो चुका है, ये ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम भी जा चुका है। तो हमारा टीवी का प्रॉब्लम सही हो चुका है। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम था, जो पावर सप्लाई था वही वीक था। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस टीवी को मैंने दो पार्ट में रिपेयर किया है। एक पार्ट में हमारा मदरबोर्ड में शॉर्टिंग था, जिसके लिए वो पावर ऑन नहीं हो रहा था। उसके बाद पावर ऑन होने के बाद हमारा SMPS जो है वो लोड नहीं ले पा रहा था, कुछ टाइम चल रहा था फिर बंद हो रहा था। हमारा स्टैंड बाई LED ब्लिंक कर रहा था और एक्सटर्नल पावर सप्लाई से ठीक ठाक चल रहा था। तो हमने ये समझा कि ये इस टीवी में एक्चुअली जो SMPS का जो हमारा टीवी का पावर सप्लाई है उसमें ही प्रॉब्लम था, वही वीक हो गया है था। उसको ही पूरा चेंज कर दिया, तो पूरा टीवी हमारा ठीक हो चुका है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।